सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सर, मैं मारुति कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ और डॉक्टर मनीष के बारे में मुझे मारुति कंपनी से ही पता चला कि भाई काफ़ी, वैसे तो काफ़ी जगह लोग बाग बता रहे थे मेरे को, लेकिन मेरे को सजेशन यही दिया गया डॉक्टरों की तरफ से, उधर से कंपनी की तरफ से भी, कि एक बार डॉक्टर मनीष से मिलो आप। तो जैसे मैंने अपना टाइम निकाल के डॉक्टर मनीष से मिला, यहाँ आया, आके सीधे डॉक्टर मनीष से मिले तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ें बताई। मेरी जो नाक की जो हड्डी थी वो एक तरफा बिल्कुल टेढ़ी हुई थी, दूसरा ये जो सेंसर यहाँ से, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो कुछ सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि भारीपन सा है उस कानों के अंदर। तो डॉक्टर ने देख के चेक करके मेरे को जो है दवाई लिख के दी ना, वो बोला कि भाई जो है ना आप एक बार यहाँ पे जाकर चेक करवाओ। फिर उन्होंने मेरे को एक भाई आप है ना एडमिट हो जाओ और इसका इलाज जो है ना हो जाएगा, कोई वैसी वो नहीं है। तो उन्होंने मेरे को एडमिट करा 2 दिन के लिए और दो दिन के बाद 24 घंटे फिर रखा, तीसरा दिन हो गया था मेरे को। और डॉक्टर अंदर जो मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरा कब ऑपरेशन होगा, कब नहीं हुआ, कैसे क्या हुआ, बिल्कुल सक्सेसफुली, कोई परेशानी नहीं, कोई किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। तो और स्टाफ बिल्कुल एजिटे अच्छा, कोई ये नहीं है कि भाई कोई किसी तरह की कोई वो नहीं कि भाई कोई मेल जोल या ना, बिल्कुल मेल जोल, टाइम टू टाइम दवाई देना, टाइम टू टाइम मिलना, टाइम टू टाइम सफाई, जो कुछ भी चीज़ें सब कुछ सेम टू एज एज गुड है। और डॉक्टर मनीष के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे से पहले तो बहुत लोग ऐसे उनके बारे में एज ए गुड बोल चुके हैं और मेरी तरफ से भी उनको एज ए गुड है, क्योंकि मेरे जो आज सांस आ रहा है पहले ऐसा नहीं था, आज बिल्कुल खुल के सांस आ रहा है मेरे को, बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है कि बिल्कुल हल्का शरीर महसूस हो रहा है।